दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों देश में जहां पर भी कोई धरना प्रदर्शन हो या चक्का जाम हो तो निश्चित तौर पर जो आम लोग होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, उनके कारोबार प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर परेशानी होती है। लेकिन इस समय जो देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो दिल्ली घेर रखी है किसानों ने कई दिनों से, उस आंदोलन के चलते उनका विरोध तो दूर की बात है, बल्कि आम लोग जो हैं या अन्य व्यवसाय के जो लोग हैं और खास करके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो उनके साथ आ रहे हैं, वो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं उनको लगातार। ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है। हाल ही में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक पत्र जारी करके जो किसानों का आंदोलन है, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका समर्थन किया है, उनकी मांगों का समर्थन किया है और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की जो जायज मांगे हैं उनको मानेंगी। लेकिन इसके बीच ही एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई कि दिल्ली की जो टैक्सी यूनियंस हैं और उसके अंदर कुछ ट्रक यूनियंस भी हैं, वो 3 तारीख से चक्का जाम करने जा रही हैं दिल्ली के अंदर। ये खबर काफी वायरल हुई, कई जानी मानी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये खबर आई और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुई। इस वायरल खबर का सच जानने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने उन लोगों से बात की जिनके नाम पर ये खबरें अखबारों के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर या व्हाट्सएप के ऊपर घूम रही थी। इस ऐलान के पीछे जिस संस्था का नाम लिया जा रहा था, उस संस्था का नाम है AISOA, All the Unions and Associations of Delhi and NCR, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बलवंत सिंह पुल्लर और इसके अंदर कुल 10, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 10 अलग अलग एसोसिएशन हैं जिनके नाम लिखे गए हैं। सबसे बड़ी इनमें से एसोसिएशन दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो ट्रकों की दिल्ली की सबसे पुरानी एसोसिएशन में से एक है और जिसके प्रेसिडेंट परमजीत सिंह गोल्डी हैं, वो हाल ही में किसान आंदोलन जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर भी पहुंचे थे और जाकर खुद समर्थन किया था किसानों का। इसके अलावा तमाम टैक्सी यूनियंस हैं, राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन, टैक्सी यूनियन NCR, ऑल दिल्ली ऑटो समाज वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली NCR ट्रांसपोर्ट एकता मंच समेत कुल 10 एसोसिएशन जो हैं जिन्होंने ये संयुक्त समिति बनाई है और जिनके नाम से ऐलान हुआ था। तो इस ऐलान के बाद हमारी बात हुई परमजीत सिंह गोल्डी जो DGTA के प्रेसिडेंट हैं उनसे और पूछा कि क्या आप 3 दिसंबर से चक्का जाम करने जा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि हमने ऐसा कोई ऐलान अभी तक नहीं किया है। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर कही कि हम 10 एसोसिएशंस हैं जिनका नाम आप देख रहे हैं, इनका समर्थन है, मॉरल सपोर्ट है, किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ खड़े हैं वो, उनका ये कहना है। लेकिन चक्का जाम का फिलहाल कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, ये सिर्फ अफवाह है। जो व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें चल रही हैं चक्का जाम की वो सरासर गलत हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यही है जो मैंने शुरू में कही कि निश्चित तौर पर इस समय जो दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है, चाहे वो 3-व्हीलर वाले हो या टैक्सी यूनियन हो या ट्रक ट्रांसपोर्ट हो, सभी का कारोबार प्रभावित है इस किसान आंदोलन से। लेकिन कोई भी उफ तक नहीं कर रहा है, सभी के सभी जो लोग हैं, एसोसिएशन है ज्यादातर जो है वो किसानों के साथ खड़ी नजर आ रही है, मॉरल सपोर्ट दे रही है और भी जिससे भी जो बन पड़ रहा है पर्सनल लेवल पर किसानों की सपोर्ट, ये तमाम जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है समय दिल्ली का वो कर रहा है। हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द किसानों की मांगे भारत सरकार मानेगी, किसान भी अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों के पास जाएंगे, अपने काम में लगेंगे और ट्रांसपोर्ट उद्योग भी दोबारा से अपने काम पर लौट सकेगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 9831 9831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।